इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन में प्लेऑफ के लिए दो टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, जबकि बाकी 5 टीमों में से कोई दो ही प्लेऑफ में पहुंच पाएंगी। सभी टीमों में अब कांटे की टक्कर होने वाली है। प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए इन टीमों को अपने मैच तो जीतने ही होंगे, साथ ही दूसरे मैचों के नतीजों पर भी नजर बनाए रखनी होगी। चलिए इनमें से बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बारे में। दरअसल एक समय ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन इस मैच के में पॉइंट्स टेबल में इतने बड़े उतार चढ़ाव हुए कि विराट एंड कंपनी के लिए प्लेऑफ्स के दरवाजे एक बार फिर से खुल गए। आरसीबी के क्वालिफाई करने की पहली कंडीशन ये होगी कि आरसीबी को 17 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ और 19 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। इसके साथ ही टीम को नेट रन रेट पर भी नजर बनाए रखनी होगी। किंग्स इलेवन पंजाब को मुंबई इंडियंस को हराना होगा, ये दूसरी कंडीशन है, और अगर ऐसा होता है तो आरसीबी, किंग्स इलेवन पंजाब, केकेआर या राजस्थान रॉयल्स के 14 पॉइंट्स हो जाएंगे। ऐसे में नेट रन रेट पर भी बात आ जाएगी, जिस मामले में आरसीबी इन सब से काफी ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।